गाइस वेलकम टू स्टडी लाइट। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेके आया हूँ और ये खबर आप सबको जानने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक निर्णय है जो कि हमारे मोदी जी ने लिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपको सबको भी पता भी होगा ये चीज़ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज 24 मार्च 2020 को संबोधित करते हुए कोरोना महामारी से मुक्ति पाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें ये बोला गया है, आपको इस वीडियो में लॉकडाउन का मतलब समझाने वाला हूँ कि क्या है ये लॉकडाउन। बहुत लोग को पता नहीं हुआ कि क्या है ये लॉकडाउन, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें बस यही है, जब पूरे देश में वहाँ के रहने वाले लोगों पे या पूरे मनुष्य जाति पे खतरा का माहौल बन जाता है तो उसके लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग सब जानते होंगे कि कोरोना वायरस को लेकर कितना महामारी फैला हुआ है और कितने लोग, कितनी जनसंख्या मर रही है। और लॉकडाउन तभी किया जाता है जब पूरे देश में रहने वाले वहाँ की जनसंख्या या पूरे मानव जाति पे खतरा का माहौल बन जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग मर रहे हैं। आप इटली में देखे होंगे कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हजार हजार की संख्या में लोग मर रहे हैं। तो इंडिया में भी वो आ चुका है और इंडिया में भी मरने वालों की संख्या 500 प्लस हो चुकी है। तो उसको रोकथाम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया और पूरे देश को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है 21 दिनों तक। अब इस लॉकडाउन में होता क्या है? तो लॉकडाउन में जनरली यही होता है कि पूरी ट्रांसपोर्ट सुविधा को बंद कर दिया जाता है, बाधित कर दिया जाता है। अब इसमें ट्रांसपोर्ट सुविधा में आप देख सकते हैं क्या हो सकता है, फ्लाइट की सारी फ्लाइट्स बंद कर दी जाएगी, रेल सुविधा जितनी भी है वो सारी बंद कर दी जाएगी। तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी भी सुविधाएँ होती है वो बंद कर दी जाती है। लेकिन इसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ इसेंशियल सर्विसेज स्टार्ट रहती है, कि जैसे आपको कुछ ग्रॉसरी लेना है या दूध लेना है या आपको हॉस्पिटल की भी सुविधा प्रदान किया जाता है। तो आप ये नहीं समझे कि 21 दिन तक लॉकडाउन किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप खाना कैसे खाएंगे, या आप, इसमें बस यही रहता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं और जो भी आपकी सुविधा, जो भी आपके, जिसमें आपको जो भी ज़रूरत की आवश्यकताएँ या ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती है वो आपको प्रदान की जाएगी। लेकिन बस इसमें घूमना नहीं रहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाता है और अब जहाँ पे हैं, जो जगह पे हैं, वहीं के वहीं रहें। और इस कोरोना से लड़ने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसे लड़ने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें और कहीं नहीं जाएं, क्योंकि ये आप एक चेन बढ़ाइएगा और फिर एक दूसरे को फैलते चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे बस यही निवेदन रहेगा कि इस लॉकडाउन में आप पूरे देश को सपोर्ट कीजिए, आप खुद घर पे रहिए और देश को इस कोरोना से, पूरे देश को इस कोरोना से लड़ने में मदद कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको कुछ हिदायत भी देना चाहता हूँ कि अगर आप लॉकडाउन में घर से बाहर निकलते हैं तो इसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। और सज़ा का प्रावधान IPC के सेक्शन 269 और 270 में दिया गया है, जिसमें 269 सेक्शन में ये क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही से यहाँ वहाँ घूमता हो और उसे पता है कि वह अपनी बीमारी ट्रांसपोर्ट कर सकता है तो उसे 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है और कुछ फाइन आ सकता है। और सेक्शन 270 में भी ये बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान को पता हो कि वो बीमार है और वो अपनी बीमारी किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है और उस केस में अगर वो कहीं घूम रहा है तो उसके अंतर्गत भी उसे सज़ा हो सकती है और इसमें उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो आप ये नहीं समझिए कि इसमें आपको सज़ा नहीं दिया जा सकता है या आपको कुछ पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। तो बस ये सिर्फ आप गवर्नमेंट का लाइबिलिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट आपको मना कर रहा है, आप सबका भी ये एक लाइबिलिटी बनता है, आप सबका, हम सबका बनता है कि हम देश को ये महामारी से, लाइबिलिटी बनता है कि देश को इस महामारी से बचाएं और कोरोना वायरस से लड़े। तो दोस्तों, आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब घर पे रहें और इस बढ़ती कोरोना महामारी को रोकथाम करने में हेल्प करें। अगर जानकारी आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉकडाउन का मतलब पता नहीं होता और लॉकडाउन में अगर आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको सज़ा भी हो सकता है, ये IPC में दिया भी गया है। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें और इसको इतना शेयर करें ताकि सबको मतलब पता चले और लोग कोरोना वायरस का एक्चुअल मतलब समझ में आए कि कितना इफेक्ट कर रहा है, लोग हजार के हजार संख्या में डेली मर रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और लॉकडाउन में घर से ना निकले प्लीज़, और घर पर जो करना है, घर पर आप पढ़ाई कीजिए, मूवी देखिए, लेकिन प्लीज़ घर से मत निकलिए और देश को इस कोरोना महामारी से निकलने में मदद कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।